डॉक्टर अब्दुल कलाम, उनकी बुक लिखी है, उसमें डॉक्टर बोलते हैं कि आई यूज टू एंटर माई लैब व्हेन ही वाज विद इसरो, आई वुड एंटर एज इफ मैं एक मंदिर में एंट्री मार रहा हूँ. और जब मंदिर में एंट्री मारते हैं, मंदिर में आप जाते हो, सो यू ऑलवेज टेक योर फुटवेयर आउटसाइड, राइट, और आप उस फुटवेयर को निकाल के अंदर जाते हो. सो इज इज द वेरी एक्शन कि मैं अपने जूते निकाल रहा हूं बाहर, इज द वे आई वुड थिंक अबाउट माई सेल्फ, कि मैं अपनी नॉलेज, अपनी सोच, अपनी समझ, कल तक का अपना अनुभव, वो मैं ऐसा निकाल के बाहर जाता हूं लैब के अंदर. सो आई गो विद अ फ्रेश पर्सपेक्टिव, एंड दैट्स अ रीजन व्हाई मेनी टाइम्स न्यू आइडिया स्ट्राइक. और जब मैं बाहर आता हूं मंदिर के, तो फिर अपने जूते अगर मिलते हैं तो हम अपने जूते पहन के निकल जाते हैं. और जैसे मैं लैब से बाहर आता हूं, तो कल का एक्सपीरियंस, कल का अनुभव, कल की सोच, उसको लेकर निकल जाता हूं. तो कल की सोच, कल का अनुभव और आज की सोच, आज का अनुभव, दोनों मिल जाती. लेकिन जब मैं कल की सोच लेकर अंदर एंट्री मारता हूं लैब के अंदर, वो इंटरफेयर करती है आज के एक्सपेरिमेंट में, और आज कुछ नया होने से मुझे रोकती है. तो विद ड्यू रिस्पेक्ट, तो कल की सोच, कल का एक्सपीरियंस, कल का अनुभव, उसको साइड रखेंगे, विल हैव अ क्लीन स्लेट. और हम सबके पास अपने अपने कलम हैं, अपने अपने पेन्स हैं, अपने अपने मार्कर्स हैं, और सबके पास अपना अपना डस्टर भी है. क्या लिखना है हमारे ऊपर है, और क्या मिटाना है हमारे ऊपर है. लेकिन लिख तभी पाएंगे जब बोर्ड साफ होगा.